Mr. Madhusudan Mistry. Sir, thank you very much for giving me this time. Let me tell outside, sir, that we have very dismal record, especially in implementing of the Human Right, especially Act and its various provisions. Sir, Home Minister has come with this amendment. The amendment is more of a bringing certain kind of a structure or improving the structure with a hope that it will improve the overall situation. But I have my own doubt whether it will really improve the situation at all. It's partly because despite having and forming, although after the Act was enacted, many states took a lot more time in formation of the Human Rights Commission committee. In my own state in Gujarat, it took long years, especially even to constitute a committee, forget about commission, it came on a very late, you know, the, as such. It's not effective partly because it doesn't have its own investigative machinery. Any violation has to be, if it has to be invested, it then has to take the help of the state police and state apparatus. By and large, human rights has been violated by the state apparatus itself, whether it is the rights of cultivation of a forest land in tribal areas, whether it is rights of the laborers to get the minimum wage, it is the rights, you know, for Dalits even to take out the human being to any kind of a procession, you know, in the village, even drinking water, other things, and so on. Although we are not discussing here economic, social, and cultural rights, but by and large, we are talking about the civil liberties and individual right of an individual person, sir. Sir, sthiti aisi ho gayi hai humare us pe. Gayi baar maine sawal pucha tha abhi, aur sarkar ne uska jawab diya. Ye sarkar aane ke baad 3 saal ke andar, पुलिस की कस्टडी के अंदर 400 से ज़्यादा लोग पुलिस कस्टडी के अंदर मारे गए. सरकार का जवाब है 1500 से 2000 लोग जेल के अंदर कस्टडी के अंदर मरे, और उसमें किसी के ऊपर अगर जो कार्रवाई गई तो 9 स्टेट के अंदर से सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई की गई है. सवाल उस वक्त पे यह आता है कि जब इसका वायलेशन होता है तब पूरी अपरेटस, जो कोई भी लोग उसके अंदर शामिल होते हैं गवर्नमेंट के, उसको पूरे बचाने में लगते हैं चारों ओर से. सरकार भी उसी के अंदर साथ में होती है. और यहाँ पर जैसे बहुत सारी शंकाएँ की गई कि जो सत्ता के अंदर होते हैं वो हमेशा देखते हैं कि हमारी या तो सरकार की बदनामी ना हो, या तो उसके ऊपर जो न्याय उसको मिलना चाहिए वो न्याय दिलाने के अंदर प्रॉब्लम खड़े करते हैं. सर, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2004-05 के अंदर जंगल की ज़मीन जोतने के बारे में 2 लोग को मारा गया. एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कस्टडी के अंदर से आदमी को निकाल के मारा, दूसरा पुलिस फायरिंग के अंदर मरा, और उसमें पुलिस ऑफिसर और जो है फॉरेस्ट ऑफिसर, इनको बचाने के अंदर पूरे होम मिनिस्टर के साथ में सब लोग लगे. आज दिन तक न तो वो उन लोगों को किसी को मुआवजा दिया गया, न आज दिन तक उनका क्या हुआ वो कुछ भी पता किसी को नहीं, और स्टेट भी उसके अंदर है तो बहुत वो नहीं है. सर, नेचुरल जस्टिस की एक बात आती है, और स्टेट वैसे उसकी जो बिहेवियर है वो तो आज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स को अदर करने की है, वो उसकी पूरी जवाबदारी है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर के सत्ता में आकर आने के बाद में कितने स्टेट के अंदर 365 दिन 144 की कलम होती है, 144 की, यानी आप जुलूस नहीं निकाल सकते, निकालो तो पहले परमिशन लो. आप बोल नहीं सकते मीटिंग, मीटिंग की है तो भाषण करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है. और वो लोकल जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लोकल जो है तो DSP वगैरह होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो ऊपर से क्या ऑर्डर आते हैं उसको देख के उनको परमिशन देनी या नहीं देनी. खास करके सरकार के सामने अगर जो कोई भी इश्यू आते हो तो वो हमेशा उसके
अंदर, वो कभी है तो साथ नहीं देते, नहीं साथ देने की तो बात छोड़ो, वो हमेशा ऑब्स्टिकल उसके अंदर से खड़े करते हैं। आज जो वायलेशन होते हैं जितने भी, उसमें डिमांड करने वाले जो लोग हैं उनको सेडिशन के अंदर अंदर डाला जाता है। वाराणसी के हमारे एक एमएलए को 6 महीने के लिए सेडिशन के चार्ज के अंदर डाला और फिर बाद के अंदर छोड़ दिया, कोई प्रूव नहीं कर सके। यहां पर होम मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि एनआईए की जो है उसकी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे हम उनको जो है डिस्करेज करते और उनकी एक छवि बिगड़ती है। और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि किसी जगह के ऊपर उन्होंने जिनको 6 महीने पहले अरेस्ट किया था, कि रॉकेट लॉन्चर वगैरह वो बना के किसी को हत्या करना चाहते हैं, उनको उनके सामने चार्जेस एनआईए ने ड्रॉप कर दिए। तो ये क्यों होता है ऐसा, क्या करती है एजेंसी? हमारे यहां जितने भी एनकाउंटर हुए, 50 से भी ज्यादा एनकाउंटर हुए गुजरात के अंदर, और जो पुलिस ऑफिसरों ने किए, वो पुलिस ऑफिसर जेल में जाने के बाद में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ आज दिन तक। हमको पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के अंदर जो है तो कैंप कहां चलता है उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे इंटेलिजेंस सर्विस के पास के अंदर। लेकिन कश्मीर से लोग ट्रेन के अंदर आके अहमदाबाद में उतर के रिक्शा के अंदर जाके चीफ मिनिस्टर के घर के सामने अक्षरधाम के मंदिर के ऊपर हमला करे, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। और जो आतंक आते हैं वो जेब में चिट्ठी लेके भी आते हैं कि हम फलाने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। यही घटना पुलवामा में वापस हुई, हमको पता नहीं चला वहां कैंप चलता, हमको पता है, लेकिन यहां पर है तो 300 किलो आरडीएक्स है तो अपने एरिया में इकट्ठा किया गया और है तो ऐसा हमले आना, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं होती। क्या बताता ये? कितने ऑफिसर को जिन्होंने जितने केस हुए जिनको जेलों के अंदर डाला गया एक या दूसरे कानून के अंदर, उस कानून के बाद में से कितने को सजा हुई? क्या किया इन एजेंसियों ने, किसके इशारे पे काम किया? सर सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो तो ये है, ह्यूमन राइट कमीशन, मेरे यहां मैं लेके गया था ट्राइबल कमीशन के आदमियों को लेके, आप इसमें तलाश करिए, आज दिन तक कुछ पता नहीं चला उसके अंदर उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और सरकार ने क्या एक्शन लिए। सरकार अपनी छवि सुधारने के अंदर हमेशा होती है सर, कि हमारी छवि बिगड़े नहीं। और इसकी वजह से जितना आदमी गरीब, यहां गरीब की बहुत बात होती है सर, हम भी उसी में से निकले हैं, गरीबी क्या होती है सिखाने की जरूरत नहीं है हमें, एटलीस्ट हमारे जैसे को तो। लेकिन जब कभी भी हक की बात होती है, राइट की बात होती है, मिनिमम वेजेस की बात होती है, जमीन की बात होती है, किसी के सामने जो है तो अन्याय होता है तो अन्याय के सामने उठाने की जब बात होती है, तो स्टेट हमेशा ऑपरेसर के हिस्सा है तो उसके रोल के अंदर आता है। और यह हमें नहीं भूलना चाहिए, आज भले आप वहां पर और हम यहां पर और यहां कभी आप भी यहां पर आओगे और हम वहां पर आएंगे, ये सबके लिए लागू होता है, आप इतना भी समझ लीजिए, चिंता मत करिए, कोई परमानेंट नहीं है यहां पर, आप भी नहीं और हम भी नहीं है। मैंने भी देखे, तीसरी चौथी टर्म हो रही है मेरी भी। मैं ये कहना चाहता हूं सर, दलितों के ऊपर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, मजदूरों के हकों की बात करने वाले लोगों के ऊपर जो है केसेस, ये सब जो चीजें हैं वो ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट कमीशन का एक दायरा है। और उस दायरे में मैं किसी भी कमीशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, सर बजट का बहुत मैंने भी स्टडी किया और है तो यहाँ गुजरात के अंदर तो सब एमएलए को मैं भेजा करता था इसके अंदर की इसकी डिमांड के अंदर क्या है और क्या नहीं, और कितने एमएलए जानते भी होंगे, यहाँ पर भी जो बैठे हो कभी एमएलए रहे होंगे तो पता होगा उनको। आई कैन मेक एनी कमीशन रिडंडेंट सिंपली बाय नॉट एलोटिंग इनफ मनी। आप जाइए बैठिए कुर्सी के अंदर आराम से, दो चपरासी ले लीजिए, दो चार लोग और ले लीजिए, आप आपके टूर प्रोग्राम तो टूर में जाइए, मैं आपको इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी नहीं दूंगा, मैं आपको पावर नहीं दूंगा प्रोसिक्यूट करने के,
स्टेट किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर है तो नहीं देंगे, है तो प्रोसिक्यूट करने के पावर किसी को, और नई इजाजत देंगे। ये हाल सब जगह आज सब एग्जाम्पल NREGA के अंदर 15 दिन के अंदर अगर जो आप काम न खोलो तो उसके ऊपर है तो उसको अलाउंस देने का प्रावधान है, केसेस किए उसके ऊपर, सरकार ने नहीं दी मंजूरी, केसेस नहीं चलते और है तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं आता। ये सब स्थिति आज जो सब जगह से उत्पाद जो कभी कभी हो रहा दिल के अंदर से वो ये है। कोई भी काम करने वाले को, हमारे यहां सर अभी बीच में समाचार छपे किसी ने ट्राइबल लोगों को ऑर्गेनाइज किया कि नक्सलाइट एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, इमीडिएटली ब्रांडेड नक्सलाइट। एक समय ऐसा था इस सरकार के अंदर कि मेरे जैसे को बोला था पीपल्स वॉर ग्रुप का आदमी है, हालांकि 10 साल मैंने गांधी जी की संस्था के अंदर काम किया अहमदाबाद के अंदर, और इसके साथ है तो सालों तक इस काम के अंदर जुड़ा रहा, लेकिन यह परिस्थिति है। अगर जो ह्यूमन राइट कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर में आप बदलाव ला रहे हो सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इज नॉट गोइंग टू मीट इट्स गोल एट ऑल। लेट मी टेल इट वेरी क्लियरली टू यू, provided we believe in ourselves, yes, we wanted to see that each and every citizen of this country enjoy the rights which has been given in the constitution to them. If that is not so, then this is just merely one more exercise, Mr. Home Minister, nothing more than that. Kuch nahi hoga sahab isse zyada. Aur jo hum iske andar लोगों का काम करने वाले, यहां बात चली अभी एनजीओ की, उन्होंने भी कही जरा थोड़ी सी क्या करते हैं उनका, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। उनका प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम के साथ में सहमत नहीं है, नहीं चाहते कि इसके अंदर ये है तो इसमें ब्राइब हो, चाहते हैं कि इसमें गरीब की बात सुनी जाए, चाहे कि उसको न्याय मिले, चाहे उसको पैसे दिए बगैर काम मिले। जब ये नहीं होता है तो कितने लोग अपनी सोच के उससे है तो बाहर आके काम करना चाहते हैं और कहते हैं उनकी बात। माननीय मिस्त्री जी, आपके एक और मसला है, आप खत्म करें उनको, बहुत कम सर अलग सोच सर, होना सर अलग सोच रचना कोई गुनाह तो नहीं है। मैं आपकी बात से और आपके जो प्रोग्राम है उससे शायद सहमत नहीं भी हूं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि आप उसके बिल्कुल जो जितने अधिकार है, बोलने के अधिकार भी, जो फंडामेंटल राइट है उसको भी आप ले लो, आप बोलने ना दो, मीटिंग ना करने दो, एक्सप्रेशन ना करने दो। सर ये झगड़ा ये है, प्लीज प्लीज, झगड़ा जो है सर वो डिस्ट्रीब्यूशन का, इकोनॉमिक आर्थिक जो है उसका है। क्यों इतनी इकोनॉमिक जिसको खाई बोलते हैं गैप रिच और पुअर की, उसका झगड़ा है, और उस झगड़े के लिए अगर जो कोई लड़ता है तो उसको बिल्कुल जामा पहना देना कि ये फलानी सोच का आदमी, ये ढिकनी सोच का आदमी, दिस इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दिस इज सेडिशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर उसके खिलाफ है हम, इसलिए मैं से कहूंगा होम मिनिस्टर साहब आप ये लेके आए स्ट्रक्चर से, मेरी आपसे विनती है कि आप इसको इफेक्टिव बनाने के लिए भी इतने ही मेजर करो, और साथ साथ के अंदर अगर जो उनको इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी उनकी देते हो तो दो, और पूरे उनके पैसे का प्रावधान भी आप कराओ। वैसे आपने 173 के ऑब्लिगेशन में उसको मंजूरी दी है सर प्रेसिडेंट ने, इस वजह से मैंने देखा सुबह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इसके ऊपर जो कोई खर्चा होगा वो इसी बजट के अंदर से किया जाएगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको असरकारक बनाने के लिए दिल से अगर जो चाहते हो तो जरूर करिए, अदरवाइज इज इज वन मोर यू नो द अमेंडमेंट एंड वन मोर पीस ऑफ ए लेजिस्लेशन, नथिंग मोर देन दैट। धन्यवाद मधुसूदन मिस्त्री जी।